नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हम अलहिया बिलावल करेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अलहिया बिलावल हम नेक्स्ट करेंगे। उससे पहले बिलावल राग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, और थोड़ा आसान भी है ये राग। इसके चलन सीधा सीधा है बिल्कुल। चलन का मतलब होता है, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि चलन क्या होता है। चलन का मतलब होता है कि उसकी जो गायकी है उसको किस तरह से गाया जाता है, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, तो वो चलता कैसे है। राग में स्वरों का जो चलन है, स्वर चलते कैसे हैं, किस तरह से उनको गाया जाता है, उसको चलन कहते हैं। आपको एक बात और बताऊं, बिलावल राग में हमारे जो बहुत कॉमन तीन सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि इस राग में बनाए गए हैं। सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, पूरा शुद्ध स्वर। उसके बाद एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब, सारे स्वर शुद्ध, वो भी इस राग में है। और जो हमारी आरती गाई जाती है ओम जय जगदीश हरे, वो भी इस राग में है, सारे स्वर उसमें शुद्ध लगे हैं और तकरीबन सब इसको गाते हैं। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि इसी राग का जो बंदिश है उसको हम आज करते हैं आज की कक्षा में, और अलहिया बिलावल जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि उसका जो चलन है थोड़ा वक्र है। वक्र यानी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है स्वर, उसके सीधा सीधा नहीं जाता जैसे कि ये जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं, एक बंदिश हम बिलावल राग में गाते हैं। और इस राग का जो चलन है ये उत्तरांगवादी राग है, मतलब ऊपर ऊपर मध्य सप्तक तार सप्तक में इसको ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सा लगा लेते हैं, अब इस राग में अगर हमको स्वर विस्तार करना है, स्वर विस्तार यानी आलाप या बढ़त कह सकते हैं उसको, स्वरों की बढ़त, तो स्वरों की जो बढ़त है उससे उसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम स्वरों की बढ़त करते हैं इसका मतलब यह है कि हम एक एक स्वर का हम आलाप करते हैं। सा का आलाप, रे का आलाप, ग का आलाप, क्रमानुसार सारे स्वरों का आलाप आप कर सकते हैं, मतलब आलाप को आप बहुत देर तक गा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगी गा के, लेकिन आप जब इसको अभ्यास करेंगे तो आप इसको लंबे टाइम तक आलाप को गा सकते हैं। और मेरे गुरुजी जो श्री कृष्णदत्त शर्मा जी से मैंने संगीत की शिक्षा ली है, क्लासिकल म्यूज़िक की, तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है उन्होंने। और कभी भी आलाप को हमें उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे गाओ ऐसे गाओ, मतलब हमको लिख के कभी नहीं दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको खुद क्रिएट करना है, इस तरह से उन्होंने सिखाया था, इसलिए मैं कंपोजिशन भी बना पाती हूँ। एक शुद्ध स्वरों का एक छोटा सा आलाप कर लेते हैं। चूँकि इसका जो चलन है, इसकी जो गायकी है वो सीधा सीधा है, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सा अभी जब हम आलाप करते हैं और जब हम बढ़त करते हैं, जैसे हमने सा का बढ़त करना है, तो क्या करते हैं कि उसमें कि आप थोड़ा सुर आगे पीछे गा के सा पे आके ही आपको रुकना है। जो आप रुकोगे जिस स्वर पे, जिस स्वर की आप बढ़त कर रहे हो उसी स्वर पे आके आपको रुकना है। कैसे, जैसे कि समझ लीजिए कि मैं सा की बढ़त कर रही हूँ, तो मैं हर बार चाहे मैं मंद्र सप्तक में गाऊँ, चाहे तार सप्तक में, चाहे मध्य सप्तक में, तो मैं आके सा पे ही रुकूँगी। जैसे नी सा रे सा सा नी रा नी सा,
तरह से सा की बढ़त हो गई। और अगर हम रे की बढ़त करते हैं, सा रे रे गा रे रे गा मा गा रे रे इसी तरह आप गंधार मध्यम पंचम सभी स्वर का लाभ कर सकते हैं। और इसी तरह आकार में भी आपको करना है। हा, 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 तो ये है छोटा सा लाभ और इसको आप अपने हिसाब से इसमें बढ़त कर सकते हैं सभी स्वरों का। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप एक एक स्वर पर रुक रुक के कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस राग का जो चलन है मध्य सप्तक और तार सप्तक पे है, तो उस पर थोड़ा सा लाभ कर लेते हैं। इस तरह से आप तार सप्तक पे इसका मध्य और तार पे आलाप कर सकते हैं। अब हम जो इसका जो एक छोटा ख्याल है, बंदिश है, उसको गा लेते हैं। पहले बिना तबले के गा लेते हैं। चूंकि ये उत्तरांगवादी राग है, यानी इसका जो चलन है ऊपर की तरफ है। हालांकि मैंने आपको आलाप नीचे ही करवाया है, क्योंकि शुरुआत जो है वो इसी तरह से किया जाता है, मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक पे आते हैं। लेकिन जब आपको छोटा सा कुछ गाना है तो आप उसको मध्य सप्तक में और तार सप्तक में गा सकते हैं। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को पालक सचरा चर भूतन को तू ही आधार। अब ये जो बंदिश है ये तीन ताल में ही है और शुरू कहाँ से हो रहा है? तेरहवीं मात्रा से। तेरहवीं मात्रा यानी यहाँ से शुरू हो रहा है। तू ही आधार, मतलब धा पे समा रहा है ना, तो तू ही आधार सकल त्रिभुवन को पालक सचरा चर भूतन को तू ही आधार सकल त्रिभुवन को पालक सचरा चर भूतन को तू ही आधार सकल त्रिभुवन को तू ही विष्णु तू नारायण तू ही विष्णु ब्रह्म जगत को तू ही आधार। तो अब इसको हम तबले के साथ कर लेते हैं। धा धिन धिन धा धिन धिन धा हा तिन तिन ता तू ही आधार सकल सचरा चर भूतन को
हो गया तबले के साथ बंदिश। अब हम अगर इसमें आलाप कर सकते हैं, ताने कर सकते हैं, जैसे कि अगर समझ लीजिए कि 8 मात्रा का ताना हमें बनाना है, तो तू ही आधार, आधार बोलने के बाद फिर आपको ताने करने हैं। जैसे हम अगर सा का तान बनाते हैं, पहले हम सीधा ले लेते हैं, सरे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा रे सा तू ही आधार, फिर एक का बनाते हैं, रे गा मा पा धा पा मा पा धा पा मा पा मा रे सा, फिर गा का बना लेते हैं, गरे गा मा पा धा पा मा गा मा पा मा गरे सा। इसी तरह हम हर एक स्वर का तान बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे माँ का तान है, मा पा धा पा धा मा पा मा गा मा गरे गरे सा, अब पा का पा धा नी सा नी धा पा मा पा मा गा मा गरे सा, धनी सा धनी सा धनी सा नी धा पा मा गरे सा, निसा रे सा निसा नी धा पा मा गा मा गरे सा, सा नी धा पा मा गरे सा, रे गा मा पा धा नी सा। अब जब हम सा का तान बनाते ऊपर का, उसको हम अंतरे का तान बनाने के लिए सा पे छोड़ना है, तो हम इसको एक बार तबले के साथ गा लेते हैं। इसका हम जो टेम्पो है उसको अभी इतना ही रख के हम गाते हैं। गरे ग म प म ग म ग रे सा रे सा तू ही आधार। अभी जो हम गा रहे थे उसको हम मध्य लय में गा रहे थे, तो अब इसका लय को बढ़ा के, यानी इसका टेम्पो को थोड़ा बढ़ा के फिर हम इसका तान कर सकते हैं। इसकी लय बढ़ा दी है, द्रुत लय में क्या कर दिया, उसको पहले हम मध्य लय में गा रहे थे, तो जब आप तान करेंगे तिन तिन ता, तू ही आधार, सरे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, तू ही आधार, रे गा मा पा धा पा मा पा धा पा मा पा मा गा रे सा, तू ही आधार, धनी सा धनी सा धनी सा नी धा पा मा गा रे सा, तू ही आधार, सकल त्रिभुवन को पालक सचरा चर भूतन को तू ही आधार। तो ये था राग बिलावल, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है। जो लोग बच्चे एकदम नए नए सीख रहे हैं तो वो इतने आसानी से इसको गा सकते हैं, मैंने उसी तरह से इस क्लास को तैयार किया है। अगली कक्षा में अलैया बिलावल मैं आपको बताऊंगी किस तरह से गाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से। जिन लोगों को मतलब थोड़ा अभी उनको गायकी नहीं समझ आ रही या किस तरह से आलाप करना है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बताया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।